हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, मैं फजर से उठ चुकी हूँ नमाज पढ़ के। मैं ऊपर का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको कि देखिए फजर हमारे पास, फजर के बाद नज़ारा कितना खूबसूरत होता है। मैं जूम कर रही हूँ लेकिन आई एम सॉरी, मेरी फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है और हल्की शबनम भी पड़ रही है गाइस। आपको दिखाती हूँ मैं, सीढ़ियों पे हल्के से छींटे गिरे हैं, ये देखिए तो बारिश पड़ी है। वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे 2 बज रहे हैं दोपहर के, हम नमाज़ पढ़ के निकल चुके हैं। अम्मी के साथ में मैं जा रही हूँ वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए। तो सी यू। तो हमने वेजिटेबल्स ख़रीद लिया है, तो ये मेरे हाथ में है बर्ड्स के लिए और ये है सारी हमारे घर के वेजिटेबल्स। तो हम अभी घर वापसी कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हम फ्रूट्स ख़रीदना चाह रहे थे, तो हमने फ्रूट्स ख़रीद लिए, बनाना, सेब एंड माल्टा ख़रीद लिया। एंड देन वी आर हेडिंग बैक टू आवर स्वीट होम। तो हम घर आ गए हैं, तो हमारा वेलकम देखिए हमारे छोटे छोटे खास के बेबीज़ ने किया है। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश पड़ने वाली है और अबर भी आ चुका है, देखते हैं। तो गाइस आपने देखा कि मौसम कितना प्यारा है, तो अब मुझे मन कर रहा है कि मैं चाय बना के पीऊँ। तो चाय यहाँ पे बन रही है, तो मैं इसमें दालचीनी और इलायची डाल रही हूँ और मेरे लिए मैं मलाई निकाल कर डालती हूँ जब भी मैं चाय पीती हूँ गाइस। वैसे तो मैं चाय अडिक्ट हूँ नहीं लेकिन मैं कभी कभार बना कर पी लेती हूँ। और मेरी फ्रेंड बोला करती थी कि चाय को जितना ज़्यादा हम लोग पकाएंगे ना उतनी ज़बरदस्त बनेगी। तो ये बन गई है मेरी चाय, ये मेरा रहा मेरा क्रीम रोल, अम्मी के लिए गुड्डे बिस्किट और अम्मी की चाय। वाओ यम्मी, आओ गाइस चाय पियेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे। बारिश के मौसम में चाय और बिस्किट या चाय पकौड़ा बहुत मस्त होता है। तो मेरे पास हो चुकी है शाम यहाँ पर, तो मैं बना रही हूँ अभी सैंडविच। तो मैं आपको एक अच्छी रेसिपी बताती हूँ गाइस, अगर आपके पास शामी है जो कि बच चुकी है तो आप उससे शामी की सैंडविच बना सकते हैं। ये मेरी शामी मैंने फ्रिज में रख दी थी जो कि थोड़ी सी सख्त हो गई है, बट इट्स रियली गुड। तो लेफ्ट ओवर शामी इसको मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैं मेयोनीज डालूंगी और मेयोनीज डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी और टोमेटो सॉस भी डालूंगी इसमें। तो देखो मैंने डाल लिया है, अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी या फिर आप मिक्स हाथ से भी कर ले सकती हो कटोरों में। और मैं इसमें थोड़ी सी स्पाइस के लिए तो आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, मैं लेकिन इसमें हरी मिर्ची प्रेफर कर रही हूँ। और मैं इसका पेस्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स ही कर लूँगी और ये पेस्ट रेडी हो गया है गाइस। और इट्स वेरी यमी। आप लोग कोई भी लेफ्ट ओवर हो, शामी रहो या चिकन रहो, उसकी आप अच्छे से सैंडविच बना सकते हैं। मैं आपको अपने और व्लॉग में बताऊँगी। तो ये रहे मेरे चिली फ्लेक्स एंड ओरिगैनो, तो मैं ये भी थोड़े से ऐड करूँगी फॉर नाइस फ्लेवर। सो ये रहा मेरा स्प्रेड, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी और फिर मैं अपना सैंडविच बना लूँगी। तो ये तैयार है, तो अब मैं सैलड बनाने के लिए रेडी कर लेती हूँ। ये रहा खीरा और टमाटर, बस यही ज़रूरत है। तड़ा, तो ये कट काट दिया मैंने। तो ये मैं साइड में फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ जो कि मैंने एक दिन पहले कट करके फ्रिज में रख लिए थे। तो मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, मैदा, काली मिर्ची और नमक डालकर मैं इसे अच्छे से सॉटे कर ली हूँ और इसको मैं अच्छे से डीप फ्राई करूँगी। तो ये देखें मैंने डीप फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। होम मेड फ्रेंच फ्राइज, नॉट सो बैड बट इट्स गुड। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सैंडविच। तो ये रहा मेरा सैंडविच और मैं जल्दी जल्दी भी बना रही हूँ। ये रहा मेरा स्प्रेड, तो मैं इसको, तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सैंडविच बना लिया है। अब मैं इसको अच्छे से ग्रिल कर लूँगी। साइड में मैं फ्रेंच फ्राइज भी बना रही हूँ होम पे मेरे तरीके में, आई होप। तो मैं यहाँ पे सैंडविच को ग्रिल कर रही हूँ, तो मैं इसको ग्रिल करके अच्छे से पीसेस में कट कर लूँगी, फैमिली के साथ अब इंजॉय करूँगी। तो ये रहा, मैंने पीसेस कर लिया है, फ्रेंच फ्राइज रेडी है, डिप, जूस भी होना चाहिए था, रूह अफ़ज़ा मैंने बनाने की सोची थी बट चलो देखते हैं
फिल्म देखते हुए, सिंग इज किंग देख रही हूँ मैं, देख लेते हुए मैं खाऊंगी, मजे करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज गाइस, बाय।